नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आंच यूपी तक आ पहुंची है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के चलते प्रदेश के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में ही फंस गए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों में जौनपुर की एक बेटी भी है। जौनपुर की बेटी 4 वर्ष पहले यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गई थी। रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ते ही जौनपुर के इस परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखते हुए परिवार वालों ने अपनी बेटी से फ़ोन पर बातचीत की तो बेटी ने वहाँ का भयावह मंजर बताया। जौनपुर की बेटी सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार में चिंता बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि जौनपुर के खेतासराय क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी डॉक्टर गजेंद्र पांडे की पुत्री गरिमा पांडे हैं। वह इस समय यूक्रेन के डेनिप्रो यूनिवर्सिटी में MBBS 4th ईयर की छात्रा है। यूक्रेन पर हमले की खबर से माता पिता समेत परिवार के अन्य सदस्य चिंतित हैं। हर समय उसके कुशल क्षेम के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पिता गजेंद्र पांडे ने भारत सरकार से बेटी समेत अन्य भारतीयों को सुरक्षित लाने की गुहार लगाई है। यूक्रेन में फंसी गरिमा पांडे के परिजनों ने बताया कि बचपन से ही उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए MBBS की पढ़ाई के लिए 4 वर्ष पहले यूक्रेन गई थी। इस समय युद्ध के कारण बेटी विदेश में फंसी हुई है। परिजनों ने बताया कि पिछले 8 महीने पहले उनकी बेटी घर आई थी। जौनपुर के बेटी गरिमा पांडे का अपने वतन लौटने का राह पीड़ित परिवार के साथ पूरा जनपद कर रहा है। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जौनपुर की बेटी कुशल क्षेम से अपने वतन और घर वापस लौटेगी। बेटी जो है यूक्रेन और रूस के जो बमबारी के मामले में फंसी हुई है, किस तरह से परिवार में कितना लोग परिवार दुखी है? परिवार चाहते हैं हमारी बच्ची सही सलामत अपने। क्या चाहती हैं सरकार से आप? सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची अच्छे से आ जाए अपने घर। बात होती है बेटी साहब? हाँ जी, बराबर बात होती है। कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ, घबराने कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपको? सुषमा पांडे। कहाँ के रहने वाले? शाहपुर खेतासराय जौनपुर। रूस और यूक्रेन की जो बमबारी चल रही है, ऐसे में आपकी बच्ची फंसी हुई है, क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह से, हमारी बेटी सहित जो 15,000 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं वो सकुशल भारत वापस लाए जाएं। बेटी से कुछ बात उचित हुई थी, क्या बताई हुई? बेटी से तो बात हो रही है, लेकिन बेटी हमारी बहुत घबराई हुई है, बहुत दहशत में है और बहुत चिंतित है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो कब गई थी और क्या कर रही है? और हमारी बेटी सन 2018 में MBBS करने के लिए गई थी, उसका 4th ईयर इस साल है। अभी पिछले 18 जुलाई को भारत वापस आई थी और 14 अक्टूबर 2021 को वह जो है यूक्रेन वापस गई। इधर भी जो बेटी से बात हुई हो, क्या वहाँ की हालात क्या है, क्या कुछ बताई हुई आपको? हाँ, वो बताई बेटी अभी भी कि पापा जो यूक्रेन ऑफ कैपिटल जो क्यू है उस पर रूस की सेना पहुँच चुकी है और बहुत जल्द ही क्यू को अपने कब्जे में ले लेगी। बेटी क्या नाम है, कितनी उम्र है? बेटी का नाम है गरिमा पांडे और उसकी उम्र है 25 वर्ष। मोदी सरकार भरोसा लगता है आपको, क्या लगेगा? हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अटूट कार्यकर्ता हैं, मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष और 3 बार से मैं जौनपुर जनपद का जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। मैं माननीय मोदी जी से बहुत आश्वस्त हूँ कि भारत के जितने भी बच्चे हैं उनके पर आँच नहीं आने पाए। आपकी बेटी वहाँ फंसी हुई है, परिवार में किस तरह से माहौल है? परिवार में बहुत ही दहशत का माहौल है, लेकिन मेरी बेटी बहुत हिम्मती है और हिम्मती ना होती तो वह भारत छोड़ करके यूक्रेन पढ़ने न जाती। इसलिए मैं अपनी बेटी पर मुझे गर्व है कि लड़की हमारी सकुशल भारत वापस आए। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र पांडे, ग्राम शाहपुर थाना खेता था जनपद। स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी दिया इस बात को? नहीं, मैं यहाँ के जो विधायक हैं और राज्य मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी से मैंने बताया है, उनके संज्ञान में यह बात है। उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं और बात उन्होंने कर भी रहे हैं।
यूक्रेन और रूस में जो हमला बमबारी चल रहे हैं, इसमें आपकी बहन फंसी हुई है, कितने दहशत हैं और क्या कुछ कहना सरकार से, क्या उम्मीद है आपकी? यूक्रेन और रूस में जो बमबारी विगत दो दिन से चल रहे हैं, ये पूरा परिवार भय का माहौल व्यापित हुआ है। और मैं जो है इस वार के समय मैं पूर्ण आश्वासन है, पूर्ण आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो इसके पहले जब मोदी सरकार जी अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया अत्यधिक अनेक देशों से बेहतर ऑपरेशन करके सभी भारतीयों सुरक्षित वापस लाया गया है। हम लोग पूरा परिवार आश्वस्त हैं, माननीय मोदी जी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री सबसे आश्वस्त हैं कि विगत दो तीन दिनों में एक कठोर निर्णय लेकर पुनः भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। आपकी बहन से कई बात हुई, जी बहन से बराबर वार्तालाप की जा रही है, उनसे संपर्क बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो है कुछ अभी परिस्थिति कठिन है, वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी जा रही हैं, खाने पीने की और सामग्रियों की जो है मारामारी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच में उन्होंने अपने दो तीन दिन, चार पाँच दिन का खाने का स्टॉक रख लिया हुआ है। हम लोग जो है उनसे जो है यही कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहिए और ज़्यादा जो है बाहर के चक्कर मत पड़िए, अपने हॉस्टल में कैद रहिए। घर की बेटी संकट में है तो परिवार में क्या स्थिति है? नहीं, परिवार में तो भय का माहौल है ही, इसमें तो दो राय नहीं है। अब हम लोग जहाँ इंडिया में है वहाँ यूक्रेन में बहुत लंबी दूरी है, अगर संभव होता तो हम लोग तत्काल वहाँ त्वरित पहुँच कर यथासंभव मदद कर सकते हैं। लेकिन बस हम सरकार से यही गुहार लगाएंगे, जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए, क्योंकि परिवार के साथ साथ जो है अनेक पूरे देश में जो है लगभग 20,000 नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन, जानकारी आपने दी आपकी बहन फंसी हुई है इस तरह से? जी जी, स्थानीय प्रशासन का अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो है एक आया घर पे आपसे मुलाकात करने? नहीं नहीं, अभी तक कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो एक जिलाधिकारी कार्यालय से नंबर आया हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दिया गया है परिवार से। वहाँ से कोई रिप्लाई आया? नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। क्या नाम है आपने? मेरा नाम अभिनव पांडे है। किस गाँव के रहने वाला? मैं ग्राम शाहपुर का हूँ, BLLB छात्र। बच्ची क्या नाम है जो संकट में फंसी है? गनिमा पांडे। कितने सालों से गई है? लगभग 2018 में वहाँ उनका एडमिशन हुआ है, अभी विगत जो है 2021 में। आखिरी बार बात कब हुई आपसे? आखिरी बात अभी सुबह हुई है, लगभग 5 बजे। ठीक है जी, एकदम ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो